समधी जी के घर में एंटर करने से पहले जरा याद दिलवाइएगा, रास्ते में फूट फूट ले ले, प्रेजेंट ले लेंगे उनके लिए। अरे वाह, रिश्ता सुधारने के साथ साथ व्यवहार भी सीखने लगी। वाह मालिनी भाई, हमको तो विश्वास ही ना हो रहा है। अगर पहले पता होता कि हमरे थोड़ा सख्त होने पे तुम नॉर्मल औरत जैसा व्यवहार करने लगोगी तो काम तो हम बहुत पहले ही कर दिए होते। किसका इंतजार कर रहे हैं, केक काटिए ना। बहू गीतू को आने दो ना। जब तक गीतू पीटी आई तभी तक रघुआ भी आ जाए हलवाई सलवाई का फिट फाट करा के। लगता हमारी बेटी आ गई। करुणा बहू जाओ दरवाजा खोलो। जी पापा जी, हम देखते हैं। हैप्पी प्रेजेंट लेकर आए। कंग्रेचुलेशन। जी, हमको पता है आपका मन में बहुत ही उथल पुथल हो रहा होगा कि हम लोग यहाँ कैसे आ गए। खुशी तो खुशी ही होता है ना, और खुशी में शामिल भी होना चाहिए। बस हम तो यही सोच के यहाँ आए हैं। ले लीजिए, पकड़िए। बिटिया तो यहाँ नहीं आई। अरे गीता ना पहुंची का? अरे वो तो कब का निकल गई है, हम लोग से बहुत पहले निकली है। अरे प्रिंसू ने तो क्लियर कट मना कर दिया था यहाँ आने के लिए, कह दिया था कि नेवर, हम तो कभी नहीं जाएंगे। अरे उस दिन धोखेबाजी और जालसाजी का जब राज खुला उसके बाद में प्रिंसू ने ये डिसीजन ले लिया। डिफिकल्ट था उसके लिए डिसीजन लेना, पर क्या करे, बहुत हर्ट था ना। आपके ससुर जी की शादी की सालगिरह है ना, वही गए हैं सब लोग। तो प्रिंस ने आने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब कि गीतू प्रिंस के साथ नहीं है। तो फिर गीतू है कहाँ? हमने उसे खुद अपनी हाथों से सेंड किया है यहाँ पर। अरे कोई यहाँ पे आ ही नहीं। तो फिर गीतू गई कहाँ है, कहाँ रह गई? फिर रास्ते में कौन सा काम आ गया उसे, और कौन से रास्ते पर टर्न कर गई, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारी गलती आप ही की है, आपने हमारी गीतू को अकेले आने कैसे दिया? अरे इनकी डॉटर, तुम्हारी पत्नी, हमारी डॉटर इन लॉ गीता, अरे 3 घंटे से मिसिंग है, और उसके मिसिंग होने के इल्जाम हमारे फोरहेड के ऊपर मल रहे हैं। देखो देखो तुम्हारे मम को कैसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। 3 घंटे से गीता गायब है। अरे रात हो चुकी है और वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची, और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, हम अभी पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दर्ज करवाते। एक मिनट प्रिंसू, एक बात बता, किसकी कंप्लेन लिखवाने जा रहे हो? उसकी जो मर चुकी है। पहले से ही नॉलेज था हमको कि गीता का रघु के साथ अफेयर चल रहा है, रॉन्ग रिलेशनशिप। तभी तो कि रघु ने भगत फैमिली को अपने घर में एंट्री दी है, और एंट्री देके गार्ड बन गए, और ये लड़की तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर के अंदर रहकर ये राघु के साथ अफेयर कर रही। अरे तभी तो इसने तुमको आज तक अपने आप को छूने नहीं दिया। हेलो मी एवरीबॉडी। अरे जब हमारा प्रिंसू यहाँ से चला गया तो हमारा यहाँ पर रहने का क्या फायदा? चलो चलो फॉलो मी। बोलते कहे नहीं हो, क्या बात है? डॉक्टर साहब वो गीता जी। अरे हम बताते हैं असली स्टोरी का है।